हेलो स्टूडेंट्स। तो आयसर का यार जो है शेड्यूल आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, icer-admission.in। तो यहाँ पे देख सकते हैं QPY का जो शेड्यूल है, इसका जो सेकेंड राउंड 4 नवंबर, ठीक है, और जिस 13 नवंबर लास्ट डेट है यार। अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो 13 नवंबर तक अपनी सीट कैंसिल करा सकते हो, फुल रिफंड मिलेगा 13 नवंबर तक। IATSEB टेस्ट शेड्यूल के बारे में अगर अपन बात करें तो एक तो कंप्लीट हो चुका है 31 को, ओके, आज 1 तारीख हो चुकी है, तो ये दूसरा 4 को आ रहा है फिर से आपके लिए। तो इसके लिए आपकी जो 7 तारीख लास्ट डेट है, ओके, एंड जो है ये लास्ट फोर्थ राउंड जो है वो 18 को है, और इसकी जो आपकी विड्रॉल की भी लास्ट डेट है वो 14 देर की है, ओके स्टूडेंट। तो और जो GE बेसिस है ये एटलीस्ट 9 को है, एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। जिनको प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जिसको किसी को आयसर मोहाली में लेना है, आयसर पुणे मिल रहा है, किसी को पुणे में लेना है, आयसर तिरुपति मिल रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप जो है अपना एडमिशन सिक्योरली कैंसिल करें, फ्रीज फ्लोट का ध्यान रखें। जिन बच्चों को फर्स्ट चॉइस मिल रही है, किसी ने ऐसे तिरुपति फर्स्ट चॉइस पर रखा था, लेना ऐसे पुणे था, ऐसे तिरुपति मिल चुका है, तो यार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन ये बचता है कि अगर ऐसे पुणे में अगर एक दो सीट वैकेंट बचती है तो वो जस्ट स्पॉट राउंड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है कि आयसर पुणे या फिर आयसर कोलकाता के अंदर कुछ सीट्स वैकेंट रहती हो, ये रेयर केसेस के अंदर होता है। और अगर होता भी है तो जो भी इन बच्चों के बहुत अच्छे परसेंटाइल होते हैं वो डायरेक्टली ले लेते हैं सीट, ओके। तो जस्ट आपको जो भी आयसर मिला है, आई होप आपको बहुत अच्छा आयसर मिला होगा, एंड वॉच करते रहिए हमारे वीडियोज को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।